A very good afternoon, everyone. Today we are going to discuss about the topic that is anesthesia and analgesia used in labor. ठीक है, जब हमने लेबर का मैनेजमेंट किया है तब उसमें हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि कौन कौन सा अनालजेसिया, कौन कौन सा एनेस्थीजिया जो है वो हम लेबर में देते हैं. ठीक है, तो उन्हीं को ही थोड़ा सा हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द इंट्रोडक्शन दैट सेज physiological responses to pain in labor. ठीक है, so when the woman is in pain, when she is experiencing uterine contractions, right, तो उसके बॉडी के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो आते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो when the uterine contractions will be there, ठीक है, उससे क्या होगा, उसका जो partial pressure of carbon dioxide होता है blood में, ठीक है, वो जो होता है थोड़ा decrease हो जाता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो respiration rate होगा उसका वो बढ़ जाता है, that's why, right? Then there will be increased cardiac output in first and second stage of labor. So it has been observed that when the woman is in first and second stage of labor, जिसका heart rate है, जो cardiac output है, वो increase हो जाता है. ठीक है? Then comes analgesia in labor. ठीक है? So जो analgesia हम labor में use करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कौन-कौन से type का हम use करते हैं. तो उसका जो है labor के दौरान, ठीक है, उसके क्या benefits जो हैं वो mother को होते हैं. ठीक है, सबसे पहला तो इसका यही है कि that it must relieve the pain. ठीक है, वो pain को जो है वो रिलीव कर, ऐसा एनाल्जेसिया हम यूज करें जिससे कि उसका पेन जो है वो रिलीव हो या थोड़ा कम हो जाए. देन इट शुड रिलैक्स द वुमेन. देन इट शुड हैव लो सिस्टेमिक इफेक्ट्स. ठीक है, जो एनाल्जेसिया हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका सिस्टेमिक इफेक्ट्स जो है वो कम से कम होना चाहिए, यूटरिन कॉन्ट्रैक्शंस पे, पुशिंग एफर्ट्स पे और फीटस पे. तो हमने ऐसे चूज करने हैं एनाल्जेसिया जिससे कि फीटस को डिस्ट्रेस ना हो, ठीक है, प्लस यूटरिन कॉन्ट्रैक्शंस भी सुप्रेस ना हो, प्लस जिससे उसके पुशिंग एफर्ट जो है वो अच्छे हो. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स सिस्टेमिक नार्कोटिक एनाल्जेसिस. ठीक है, तो कौन कौन से सिस्टेमिक नार्कोटिक एनाल्जेसिस जो है वो हम लेबर में यूज कर सकते हैं. नंबर वन इज मेथोट्रेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, सेकेंड वन इज नालबुपिन, थर्ड वन इज ब्यूटोरफिनोल टार्ट्रेट, एंड देन मॉर्फिन सल्फेट, देन फेंटेनिल, एंड लास्ट वन इज पिथिडिन. सो दीज ऑल आर कॉमनली यूज ड्यूरिंग द लेबर, राइट. Then comes, अब हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे. नंबर वन कम्स मेप्रिप्रिडिन. ठीक है, मेप्रिप्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसका डोज जो हम देंगे 25 mg हम देते हैं इंट्राविनसली, और IM हम इसका डोज देते हैं 50 to 100 mg, राइट. देन नेक्स्ट कम्स एनाल्जेसिक एंटीस्पाज्मोडिक सिडेटिव. ठीक है, ये मतलब इसके जो इफेक्ट्स हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, एंटीस्पाज्मोडिक इसके इफेक्ट होते हैं, थोड़ा सा सेडेशन भी ये कॉज करता है, और इसमें पेशेंट को यूफोरिया फील होता है, लाइक यूफोरिया में होता है ना, जिसमें पर्सन को थोड़ा रिलीफ फील होता है. ठीक है, थोड़ा अच्छा महसूस होता है. देन इट बिगिंस टू एक्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंड 5 मिनट्स आफ्टर आईवी. ठीक है, जब आप आईवी इंजेक्शन इसका दे रहे हो तो 5 मिनट्स के बाद इसका जो इफेक्ट है वो हमें पता चलता है. ठीक है, और जब आप इसको इंट्रामस्कुलरली दे रहे हो, क्योंकि इंट्रामस्कुलर इफेक्ट जो है वो थोड़ा लेट दिखना शुरू होता है, सो 30 मिनट के बाद इंट्रामस्कुलर का जो है वो आपको दिखना शुरू होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स ड्यूरेशन. इसकी है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 2 to 3 hours. ठीक है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा जो 2 to 3 hours इफेक्टिवनेस रहती है इसकी. Then it slows the labor contractions. ठीक है, जो contractions, uterine contractions होती हैं, उसको ये थोड़ा slow down करता है. And it gives 3 hours before the birth. ठीक है, तो birth से सिर्फ 3 घंटे पहले जो है वो आपने देना है. मतलब कि तब तक cervix की जो dilatation है वो sufficient होनी चाहिए, like 7 to 8 cm dilate होना चाहिए cervix. ठीक है, तो it should be given 3 hours before the birth. And it reduce beat to beat variability of the fetal heart sound. ठीक है, तो fetal heart sound को जो है ये थोड़ा सा effect करता है, but ज़्यादा जो है वो नहीं करेगा. ठीक है, देन नालबुपिन. नालबुपिन जो हम देते हैं उसका डोज जो है दैट इज 10 to 20 mg हम देंगे. ठीक है, 6 hourly दे सकते हैं और 3 hourly. हाँ,
राइट, देन 0.323 mg पर केजी ओवर 10 to 15 मिनट्स हम इसको देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे. देन नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑन द मदर. नैलबुपिन जो है इसका इफेक्ट मदर पे ये रहेगा कि जो मदर का रेस्पिरेशन रेट होगा ये उसको स्लो करता है, मतलब कि मदर का जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा उसमें थोड़ी चेंजेस आएंगे. ठीक है, रेस्पिरेशन रेट जो है मदर का वो कम होगा. ठीक है, ब्रेडिपनिया जैसे हम बोलते हैं. देन सिडेटिव इफेक्ट ये मदर पे कॉज करता है और एनाल्जेसिक इफेक्ट तो कॉज करेगा ही. ठीक है, बिकॉज इसका मेन पर्पज तो एनाल्जेसी मतलब पेन को थोड़ा रिलीव करना है. देन इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन फीटस. जो नैलबुपिन है ठीक है वो और बच्चे के अंदर फीटस के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो कॉज करता है, इसलिए हम थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं देने के लिए. ठीक है, देन आ गया आपका ब्यूटोरफेनॉल. ठीक है, ब्यूटोरफेनॉल की जो डोज है दैट इज 1 to 2 mg IM और IV. ठीक है, IM और IV आप इसको दे सकते हैं एंड इट कॉजेज स्लोइंग ऑफ लेबर एंड फीटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, तो ये लेबर के प्रोसेस को भी थोड़ा सा स्लो कर देता है, प्लस जो फीटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो बोल रहे हैं फीटस में होने के चांसेस इससे हो जाते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है मॉर्फिन सल्फेट. ठीक है, सो मॉर्फिन सल्फेट की जो डोज रहेगी आपकी दैट इज 0.221 mg इंट्राथीकली हम देते हैं. 0.221 mg इंट्राथीकली इसको हम दे सकते हैं या 5 mg हम इसको एपिड्यूरली दे सकते हैं लेबर के अंदर. ठीक है, और इफेक्टिव एनाल्जेसिक है ये एंड इट कैन समटाइम कॉज प्रूराइटस. ठीक है, प्रूराइटस मदर से फील कर सकते हैं जब आपने मदर को ये एडमिनिस्टर किया तो प्रूराइटस उसको हो सकता है. ठीक है, जस्ट वन सेकेंड. Then next comes, it slows labor contractions. ठीक है, जो लेबर की में होना जो कॉन्ट्रेक्शन होती है यूट्रेन कॉन्ट्रेक्शन होती है उसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन ये करता है. एंड देन इट कॉज सम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन द फीटस, क्योंकि ये सारे क्या हैं आपके एनाल्जेसिक्स हैं तो कहीं ना कहीं ये फीटल डिस्ट्रेस जो है वो कॉज करते हैं. तो वन शुड लाइक रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम यूजिंग दीज ड्यूरिंग द लेबर. लेकिन अगर अनबियरेबल पेन है तो लो जो मिनिमम डोजेस है इसकी वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. बट इसके साथ साथ जो फीटल हार्ट साउंड मॉनिटरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दे टेंड टू कॉज फीटल डिस्ट्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. राइट, देन नेक्स्ट आ गया फेंटेनिल. ठीक है, फेंटेनिल जो है इसकी डोज जो हम देते हैं दैट इज 50 to 100 microgram IM. ठीक है, और IV इसकी डोज जो है वो है दैट इज 25 to 50 microgram. राइट, इट कॉज मेटरनल हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, तो मदर के अंदर ये ब्लड प्रेशर को जो है वह कम करेगी, प्लस रेस्पिरेशन रेट को भी स्लो डाउन करती है. मदर को ब्रेडिपनिया जो है वो हो सकता है एंड इट ऑल्सो स्लोज डाउन द कोर्स ऑफ लेबर एंड सम फीटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद फेंटेनिल. ठीक है, तो कुछ फीटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है इसके साथ एसोसिएटेड है. देन नेक्स्ट आता है आपका इंट्राथीकल नार्कोटिक. ठीक है, इंट्राथीकल जो नार्कोटिक्स हैं ठीक है इस इंट्राथीकल नार्कोटिक में आपका फेंटेनिल आ जाता है और मॉर्फिन आ जाता है. ठीक है, जो इंट्राथीकली हम देते हैं नार्कोटिक्स को पेन को रिलीव करने के लिए, उनका इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होना शुरू होता है 15 से 30 मिनट के अंदर एंड पेन रिलीफ लास्ट फॉर 4 to 7 hours. क्योंकि जो इससे पहले वाले अभी हमने डिस्कस करे हैं सारे उसमें जो इफेक्ट रहता था ठीक है दैट इज ओनली फॉर 3 hours, लेकिन इसके अंदर जो है इफेक्ट रहे 4 to 7 hours. एंड इंट्राथीकल नार्कोटिक्स में द पेशेंट कैन फील द अर्ज टू पुश, मतलब उसका जो बियरिंग डाउन इफेक्ट्स हैं वो इसमें सुप्रेस नहीं होते हैं. ठीक है, तो पेशेंट कैन फील द अर्ज टू बियर डाउन. देन साइड इफेक्ट्स के वही हैं जो हमने अभी पढ़े थे कि इंटेंस प्रूराइटिस विल बी देयर एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग विल बी देयर. ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है तो इंट्राथीकली. ठीक है, इंट्राथीकली हम इसको दे सकते हैं फेंटेनिल को और मॉर्फिन को. ठीक है, इफेक्ट इसका 15 टू 30 मिनट्स में आएगा और 4 to 7 hours जो है इसका असर रहता है. ठीक है, और इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल्स में कि इसमें हम क्या करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे इंजेक्शन की ठीक है वो कहाँ करते हैं हम स्पाइनल कैनाल में. ठीक है, सो एज वी ऑल नो ठीक है ये जो मॉर्फिन है या फेंटेनिल है इसका एंटीडोट जो है नार्कोटिक्स जितने भी हैं उनका एंटीडोट क्या होता है नेलेक्सोन. मतलब अगर उससे पेशेंट को लाइक सपोज फीटस के अंदर फीटल डिस्ट्रेस हो गया है ठीक है तो हम इमीडिएटली जो है नेलेक्सोन जो है वो मदर को देंगे. ठीक है, सो दैट कि उसका जो इफेक्ट है ड्रग का वो खत्म हो जाए जो हमने ड्रग पहले दी थी. ठीक है, तो नेलेक्सोन इसका एंटीडोट रहता है तो ये आपने याद रखना है.
देन आगे आपके ये अभी जो हमने डिस्कस करे ये सारे ऑलमोस्ट ओपोइड एनाल्जेसिक्स थे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स. ठीक है, नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स में आपका आ जाते हैं सीडेटिव्स आ जाते हैं, जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर्स है, एग्जांपल आप ले लो इसमें बारबिट्यूरेट्स है, हाइड्रोक्सीजन है और बेंजोडाइजेपिन्स है. ठीक है, सो दे कैन बी यूज्ड, देन दे आर यूज्ड फॉर सेडेशन एंड एंजियोलाइसिस. ठीक है, अगर मदर को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए वी कैन यूज दीज ड्रग्स, और सेडेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड इट कॉजेज प्रोलॉन्ग डिप्रेसिव इफेक्ट्स ऑन द फीटस. ठीक है, और अगर हम नॉन अपॉइड एनाल्जेसिस जो है वो यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, फीटस के ऊपर जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है. देन नेक्स्ट आपका आता है इनहलेशन एनाल्जेसिया. ठीक है, इनहलेशन एनाल्जेसिया में आपका आ जाएगा जैसे कि आप यू कैन गो फॉर दिस नाइट्रस ऑक्साइड इनहलेशन. ठीक है, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, 50% नाइट्रस ऑक्साइड रहती है और 50% ऑक्सीजन रहती है. ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन को जो है वो हम किस नाम से जानते हैं, एंटरनॉक्स के नाम से. ठीक है, देन द मिक्सचर इज स्टेबल एट नॉर्मल टेम्परेचर. ये जो मिक्सचर है नाइट्रस ऑक्साइड का प्लस ऑक्सीजन का एंटॉक्स जैसे आप बोल रहे हो, इट इज स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर. डिलीवर्ड इन सिलेंडर्स प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ठीक है, सिलेंडर्स में ये अवेलेबल होता है. ठीक है, जिसमें जिसको आप हॉरिजॉन्टल पोजिशन में जो है वो प्लेस करते हैं. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन. Then nitrous oxide limits the neuronal and synaptic transmission within the central nervous system. ठीक है, मतलब कि neurons ये जो है pain receptors जो हैं, ठीक है, basically उनको ये block करता है. ठीक है, जिससे कि pain sensation जो है वो कम हो जाती है. Administered with Entox apparatus, और ये Entox apparatus जो आता है, ठीक है, उसको आप cylinder के साथ attach करते हैं और उसके through जो है वो हम patient को दे सकते हैं. गैसेस टेक इफेक्ट विद इन 20 seconds. ठीक है, जब आप इन पेशेंट को इनहेल करवाएंगे, ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है वो 20 seconds के अंदर जो है वो अचीव हो जाएगा और मैक्सिमम एफिकेसी इसकी स्टार्ट हो जाएगी 45 to 50 seconds के बीच में. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है ये. ठीक है, टेक इट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन जब पेशेंट को आ रही है तो कॉन्ट्रैक्शन आने से जस्ट पहले आपने पेशेंट को ये देना है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस का जो है वो पता चल सके. राइट, so this is about the analgesia used in liver. Then next comes anesthesia in liver. ठीक है, next topic is anesthesia used in liver. So ये आप देख सकते हो कि intrathecal जो है वो administration हो रही है. ठीक है, spinal canal के अंदर जो है वो हम access कर रहे हैं, administration कर रहे हैं injection से medicine की. ठीक है, सो इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे कि देखिए रीजनल एनेस्थीजिया है, एपिड्यूरल एनेस्थीजिया है. ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीजिया है, आपका स्पाइनल एपिड्यूरल टेक्निक है. ठीक है, या प्यूडिनल नर्व ब्लॉक है, लोकल इनफिल्ट्रेशन है, सैडल ब्लॉक है. ठीक है, ये सारी आपकी टाइप्स आ जाती हैं किसकी, टाइप्स ऑफ एनेस्थीजिया यूज्ड इन लेबर. ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रीजनल एनेस्थीजिया. राइट, so in this we inject bupivacaine or tetracaine to block the specific nerve. ठीक है, इसमें जो मेनली हम regional anesthesia देने के लिए use करते हैं, regional का मतलब है इस particular region को हम anesthetic effect देंगे. ठीक है, तो इसके अंदर हम bupivacaine जो है आपका injection या tetracaine के नाम से जो आता है उसको आप use करते हैं, जिससे कि वो specific nerve है जिसको आप block करना चाहते हैं उसको आप इससे block कर देंगे. and it acts by blocking sodium and potassium transport. देन इफेक्ट न्यू बॉर्न के ऊपर इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे. ठीक है, सो जो न्यू बॉर्न होगा वो फ्लैसिड हो सकता है. ठीक है, ब्रैडीकार्डिया उसको हो सकता है, प्लस हाइपोटेंशन उसको हो सकता है. ठीक है, ब्रैडीकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट रेट होगा बच्चे का वो कम हो जाएगा. ठीक है, देन हाइपोटेंशन में क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, और फ्लैसिड जो हम उसको बोल रहे हैं कि बेबी जो का फ्लैसिड होगा, फ्लैसिड का मतलब है लाइक व्हिच इज सॉफ्ट एंड हैंगिंग लूजली और लिम्पली. ठीक है, दैट इज फ्लैसिड. देन द वुमन जो इसमें होगी वो अवेक रहेगी थ्रू आउट द डिलीवरी एंड डू नॉट डिप्रेस यूट्राइन टोन. और ये जो रीजनल एनेस्थीसिया है इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को जो है वो उतना डिप्रेस नहीं करता है. दिस इज अबाउट द रीजनल एनेस्थीसिया. देन नेक्स्ट कम्स एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. So anesthetic agent is placed inside epidural space. तो epidural space जो हमारा होगा, ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे anesthetic agent को अंदर administer करते हैं. और usually जो है इसको हम देते हैं like L2 और L3 के बीच में, क्योंकि ये lumbar region में ही देंगे ना इसमें हम epidural की बात करें तो L2 या L3 में space
के बीच में जो स्पेस है उसमें देंगे, या L3 या L4 में, या L4 या L5 पे, ठीक है, उनके स्पेसेस के बीच में देते हैं. देन इट ब्लॉक्स स्पाइनल एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, पेन रिलीफ फॉर लेबर एंड बर्थ. ठीक है, जैसे पेनलेस डिलीवरी आपने पढ़ा होगा, कई बार बोर्ड्स लगे होते हैं बाहर की, यहाँ पे पेनलेस डिलीवरी की जाती है, तो उसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं. ठीक है, तो एपिड्यूरल ब्लॉक कर देते हैं पूरा का पूरा, तो पेशेंट को बिल्कुल भी लेबर के टाइम पे जो है वो पेन नहीं होती है, और बर्थ के टाइम पे. देन इट कॉजेज हाइपोटेंशन, जैसे ब्लड प्रेशर जो है उसका ड्रॉप होता है, एंड इट मे इंपीड रोटेशन ऑफ फीटल हेड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ लिवेटर NI. इस ये देने से क्या होगा कि जो लिवेटर NI मसल्स होती हैं, ठीक है, लिगामेंट जो है सॉरी, वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से देर आर चांसेस कि जो फीटस का हेड है, ठीक है, वो माल रोटेटेड हो जाए. ठीक है, तो बच्चा एकदम से माल रोटेटेड हो सकता है. माल रोटेशन किस में बोलते हैं हम, हाँ, तो मतलब अगर सपोज ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में है फीटस, ठीक है, तो वो किसमें हो जाएगा, एकदम से ऑसिपिटो पोस्टीरियर में जा सकता है. सो दैट कैन बी वन इसका हो सकता है ना, साइड इफेक्ट बोल दो आप एक तरह से. देन डू नॉट अफेक्ट द एबिलिटी टू पुश, ठीक है, लेकिन ये जो एपिडुरल एनेस्थीसिया, उससे मदर की जो पुशिंग एफर्ट्स होंगे या पुशिंग एबिलिटी होगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो बियर डाउन कर सकती है आराम से. देन प्रिवेंशन ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन, क्योंकि इससे हाइपोटेंशन जो है वो मदर को होती है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ आप फेंटेनिल प्लस ब्यूपिविकेन जो है वो यूज कर सकते हैं, एंड 500 to 1000 ml एक्स्ट्रा IV फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हैं, और मेक द पेशेंट लाई ऑन द साइड, ठीक है, तो उसको साइड लाइन पोजिशन में आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, लेटने के लिए, उससे उसकी जो ऑपरेट के बाद जो उसका वो है हाइपोटेंशन वाली स्टेट है वो प्रिवेंट हो सकती है. देन अगर हाइपोटेंशन से पोस्ट डेवलप हो गई है पेशेंट को डिलीवरी के बाद, तो आप क्या करेंगे, उसके लेग्स को रेज करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे उसको ऑक्सीजन, एंड एडमिनिस्टर करेंगे उसको इंट्राविनस फ्लूइड, ठीक है. सो दिस इज द ट्रीटमेंट इफ द पेशेंट डेवलप्स हाइपोटेंशन फॉलोइंग रीजनल सॉरी एपिड्यूरल एनेस्थीजिया, राइट. देन नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो जब आप एपिड्यूरल एनेस्थीजिया की हम बात कर रहे हैं, तो आपने कैसे देना है, ठीक है, तो ज्यादातर जो मेनली दिया जाता है वो L3 और L4 के बीच में दिया जाता है, ठीक है. सो पेशेंट को आप उसके साइड लाइन उसको आप पोजीशन दे सकते हो विदाउट फ्लेक्सिंग द बैक, उसको अपनी बैक जो है वो फ्लेक्स नहीं करनी, और 3 to 4 inch की जो निडल होगी वो आपने लेनी है, लंबर पंचर निडल होती है, ठीक है, उसको आपने लेना है, और L3 और L4 के अंदर हम इसमें एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं. पॉलीएथिलीन कैथेटर इज इंसर्टेड एंड टैप्ड इन द प्लेस. तो पॉलीएथिलीन कैथेटर इसमें यूज होता है, एंड इंजेक्ट स्मॉल डोज ऑफ एनेस्थेटिक इनटू द कैथेटर, ठीक है, बहुत स्मॉल डोज आपने जो है एनेस्थेटिक एजेंट की जो वो लेनी है, उसको कैथेटर में आपने पुश करना है. फ्लशिंग एंड वार्मनेस इन लेग्स आफ्टर 5 minutes इंडिकेट्स करेक्ट कैथेटर प्लेसमेंट, ठीक है, पेशेंट को ये एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद 5 minutes के बाद उसको नंबनेस फील होगी, ठीक है, अपनी टांगों में, और उसको वार्मनेस उसको आएगी, तो उससे पता चलेगा कि कैथेटर जो है वो सही जगह पे प्लेस हुआ है. और पॉलीथिलीन कैथेटर जो है वो हम इसमें लेते हैं. इट प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया अप टू अम्बिलिकस इन 10 to 15 minutes, तो 10 to 15 minutes के अंदर अंदर ये पूरे अम्बिलिकस एरिया तक जो है पेशेंट का एरिया जो है वो नंब कर देता है. इफेक्ट लास्ट फॉर 40 minutes to 2 hours, और इसका इफेक्ट जो है वो 2 घंटे तक रहता है, इसलिए डिलीवरी के बाद हम पेशेंट को जो है वो 2 hours तक रिकवरी रूम में रखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि तब तक रखते हैं जब तक कि उसको अपने नीचे लोअर लेग्स में जो है वो सेंसेशन दोबारा फील होने नहीं लग जाती है. अनदर डोज ऑफ उसके बाद ही हम उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है. देन अनदर डोज ऑफ एनेस्थेटिक और कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, ठीक है. सो उसके बाद आप अनदर डोज पेशेंट को दे सकते हैं एनेस्थीसिया की, या कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दे सकते हैं आप अगर पेशेंट ने पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया के लिए ऑप्ट किया है. देन लुक फॉर टॉक्सिक रिएक्शन, ठीक है, टॉक्सिक रिएक्शन के लिए आप जज करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स के लिए, जैसे कि स्लरिंग ऑफ स्पीच है, लैक ऑफ फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब अपना पैर उठाना चाहती है और पैर उसका उठाया नहीं जा रहा उससे, ठीक है. सो अगर ऐसा कुछ होता है दैट इंडिकेट्स टॉक्सिक रिएक्शन, और यू कैन से दैट शोज एडवर्स इफेक्ट्स. देन रिमाइंड हर टू वॉइड एवरी 2 hours, पेशेंट को आपने रिमाइंड कराना है कि उसको हर 2 घंटे के बाद जो है वो वॉइड करना है. देन मॉनिटर ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करेंगे. देन चेक सेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ लेग्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरी वो जो मैंने आपको बताया कि हम पेशेंट को तब तक रिकवरी में रखेंगे जब तक कि उसको अपने लोअर लेग्स के अंदर जो है वो दोबारा से सेंसेशन फील नहीं होने लग जाती है.
स्टे विद वुमेन व्हेन शी एम्बुलेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर एनेस्थीसिया. ठीक है, आपने वुमेन के साथ तब तक रहना है जब तक कि वो खुद से लाइक फर्स्ट टाइम एम्बुलेट नहीं होता, तो उसका पूरा आपने ध्यान रखना है. ठीक है, सो कौन कौन से एजेंट्स आप यूज कर सकते हैं एपिडुरल एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया के लिए? रोपीविकेन, यू कैन गो फॉर ब्यूपीविकेन है और लीवोब्यूपीविकेन है. ठीक है, तो ये सारे जो है वो एपिडुरल एनेस्थीसिया में यूज करे जा सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है ये वो एपिड्यूरल स्पेस में लग रहा था, एपिड्यूरल वाला. ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो लगता है आपका सब एरेक्नोइड स्पेस में, और इसमें जो आपने लंबर एरिया लेना है वो अगेन L3 टू L4 के बीच का लेना है. ठीक है, तो L3 और L4 के बीच में जो इंटर स्पेस है वहाँ पे आप यहाँ पे देंगे. देन हाइपोटेंशन फ्रॉम सिंपथेटिक ब्लॉकेज कैन अकर इमीडिएटली एंड टर्न टू लेफ्ट साइड. ठीक है, तो इस स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकती है, तो आपने पेशेंट को टर्न करवाना है लेफ्ट साइड पे. डोंट गिव ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, और इस केस में आप उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो पेशेंट और ज्यादा हाइपोटेंसिव स्टेट में जा सकता है. ठीक है, देन आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस के अंदर? यूज स्मॉल ग्रेज निडल. ठीक है, और पेशेंट को हाइड्रेट करना है प्रॉपर IV फ्लूइड्स के साथ, और अगर पेशेंट हाइपोटेंशन डेवलप कर लेता है तो उसको सीधा लेटाना है इसके अंदर. ट्रेंडलबर्ग पोजीशन पेशेंट को आपने बिल्कुल भी इसमें नहीं देनी, वो अवॉइड करानी है. पेशेंट को बिल्कुल सीधा लेटाना है इसमें, देन एनाल्जेसिक्स आप पेशेंट को दे सकते हो. राइट, देन नेक्स्ट कम्स लोकल एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया फॉर वजाइनल डिलीवरी. तो अगर वजाइनल डिलीवरी आप एनाल्जेसिया दे रहे हो तो उसमें हम प्यूडोनल नर्व ब्लॉक जो है वो करते हैं. इसमें हम क्या करेंगे, इंजेक्शन ऑफ एजेंट जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, नियर द लेफ्ट एंड राइट प्यूडोनल नर्व एट द लेवल ऑफ ईस्टियल स्पाइंस. ठीक है, तो प्यूडोनल नर्व जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में ईस्टियल स्पाइन के बराबर में होती हैं. ठीक है, तो वहाँ पे अपने इंजेक्शन जो है वो ले लगाना है. प्रोवाइड्स पेन रिलीफ इन 2 to 10 मिनट्स एंड लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 आवर फॉर एपिजियोटोमी रिपेयर एंड यूज ऑफ लो फोर्सेप. ठीक है, तो हम प्यूडोनल नर्व ब्लॉक किस लिए यूज करते हैं, एपिजियोटोमी की रिपेयर के लिए, प्लस अगर लो फोर्सेप्स आपने पेशेंट में अप्लाई किए हैं, हेड पे बच्चे का स्टक हो गया है तो उसको डिलीवर करवाने के लिए हम लो फोर्सेप्स का यूज करते हैं या आउटलेट फोर्सेप्स का हम यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको प्यूडोनल नर्व ब्लॉक जो है वो आप यूज कर सकते हो. देन है लोकल इन्फिल्ट्रेशन. लोकल इन्फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, पेरिनियम को हम वो करेंगे, सुपरफिशियल जो नर्व होगी पेरिनियम की, ठीक है, उनको हम इंजेक्ट करेंगे लिडोकेन के साथ. ठीक है, या ज़ाइलोकेन भी आप ले सकते हैं. राइट, used when fetal head is too low for a pudinal block and effect lasts for 1 hour. A local infiltration आप एपिजियोटमी देने से पहले भी कर सकते हैं. ठीक है, और अगर perineal tear हो गया तो उनको repair करने के लिए भी आप कर सकते हैं. ठीक है, right? देन आता है जर्नल एनेस्थीसिया. सो जर्नल एनेस्थीसिया हम कभी भी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हम नहीं देते हैं. ठीक है, सो इट इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ के टाइम पे पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहता है, बट उसका जो पार्ट है, ठीक है, उसको आप नम कर सकते हो, बट पेशेंट इज अवेक, राइट, द मदर इज अवेक थ्रू आउट द प्रोसीजर. सो जर्नल एनेस्थीसिया इज नेवर प्रेफर्ड फॉर चाइल्ड बर्थ, मे बी नेसेसरी इन एमरजेंसीज लाइक एब्रप्शियो प्लेसेंटा. ठीक है, देन अगर जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो थियोपेंटल सोडियम है प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, ये हम यूज करते हैं पेशेंट को, हाँ पेशेंट के लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द लेबर. ठीक है, इस टॉपिक पे आपको स्मॉल नोट आ सकता है एग्जाम में लाइक 5 मार्क्स का. ठीक है, तो उसके लिए आपने जो जो मैंने आपको बताए हैं टाइप्स बताए हैं एनाल्जेसिया के और एनाल्जेसिया के और एनेस्थीसिया के, ठीक है, तो उनमें आपने थोड़ा थोड़ा सब में डिटेल में लिखना है. ठीक है, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच.